दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा है, ए मनुष्यों, तुम टाइगर के सामने जाने से डरना नहीं, यह तुम्हारा पराक्रम की परीक्षा है। तुम तलवार के नीचे सिर झुकाने से कभी भयभीत नहीं होना, वह बलिदान की कसौटी है। तुम पर्वत शिखर से पताल पर कूदना, यह तप की साधना है। तुम बढ़ती हुई ज्वाला में कभी विचलित न होना, वह स्वर्ण की परीक्षा है। पर शराब यानी नशा सेवन से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप और अनाचार की जननी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज का टॉपिक है स्टूडेंट और नशा। आज आधी बॉलीवुड ड्रग्स के चंगुल में फंसी है। वही एक्टर जो कभी युवाओं का, छात्र छात्राओं का रोल मॉडल हुआ करते थे, आज खुद विवश, खुद लाचार है, खुद अपना चेहरा छुपा के इधर से उधर भाग रहे हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स लेना एक फैशन है। ये नशा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, पूरे देश में अपने अपने स्तर तक फैला हुआ है, और आपको यह सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या यह ड्रग्स भारत के राजनेताओं में भी फैला हुआ है। रेप पार्टी का नशा केंद्र बन गया है। आज के समय में यह नशा स्टूडेंट और छात्र छात्राओं के मध्य भी छा गया है। आज के समय, वर्तमान समय में उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब में वहां के टीचर बच्चों के बैग चेक करते हैं, प्रत्येक दिन उसके पुस्तकें उसके बैग से निकाल कर चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई नशा की सामग्री तो स्टूडेंट लेके नहीं आया। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हायर एजुकेशन के फील्ड में भी स्टूडेंट ये ड्रग्स लेना, नशा लेना अपना फैशन समझते हैं। दोस्तों, जो सबसे अहम क्वेश्चन है, छात्र एवं छात्राओं में नशे की लत कैसे लग जाती है? फ्रेंड्स, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्निंग क्वेश्चन इज, छात्र एवं छात्राओं में नशे की लत कैसे लग जाती है? दोस्तों, कुछ स्टूडेंट नशा करना अपना लाइफ स्टाइल मानते हैं। वह सोचते हैं कि हर मनुष्य में कोई ना कोई नशे की एक आदत होना बहुत जरूरी है। तो कुछ स्टूडेंट टेंशन रिलीफ टॉनिक समझकर नशा करते हैं। वह सोचते हैं कि मैं ज्यादा स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए नशा लेना बहुत ही जरूरी है, जिससे मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ लोग सिगरेट पीने, शराब पीने, रंग बिरंगे नशा लेने वाले स्टूडेंट अपने आप को एडवांस समझते हैं, और जो दूसरे ग्रुप है जो ये सारी नशाएं नहीं लेते हैं, उससे अपने को इंटेलिजेंट समझते हैं, अपने को एडवांस समझते हैं। कुछ स्टूडेंट तो नशा सामग्री बेचने वाले एजेंट के जाल में फंसकर नशा लेना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट में नशे की लत बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मीठा सुपारी आदि से शुरू होता है, तथा नशा का ज्ञान बढ़ाने के प्रयास में वह चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हेरोइन, कोकीन, फ्रूट बियर तक पहुंच जाते हैं, तथा अंतिम में ड्रग्स के चंगुल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद। दोस्तों, आपको समझना होगा, आपको इस पर रिसर्च करने की जरूरत है कि हम इस बुरी आदतों से किस तरह बचे। दोस्तों, महाभारत काल में ही विदुर ने विद्यार्थियों को नशा से दूर रहने की चेतावनी दी थी। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश सर्जन लाउदर ब्रूटर का कहना है, शराब और नशा धीरे धीरे आदमी का, मनुष्य का, स्टूडेंट का डिसीजन पावर खत्म कर देती है। आप सोचे, एक स्टूडेंट का जब डिसीजन पावर खत्म हो जाएगा तो उसको स्टडी करने से क्या फायदा होगा। दोस्तों, यदि आप ये पांच कामें करते हैं तो आप हमेशा नशा से मुक्त रहेंगे। यदि आप नशा करते हैं तो आपको नशा और नशा से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, जो पहला है, अपने जीवन में एक बड़ा गोल सेट करें। जब आप गोल के पीछे, गोल पर काम करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा इन बुरी आदतों को अपनाने का। यदि इसके अतिरिक्त आपके पास टाइम बच जाता है तो आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन आप अपने हॉबी को क्रिएट करने में, हॉबी को डेवलप करने में कर सकते हैं। दोस्तों, जो सेकंड काम करने की आपको जरूरत है वो है, प्रत्येक दिन आप योगा एवं प्राणायाम जरूर, कम से कम आधा घंटा जरूर योगा एवं प्राणायाम करें। दोस्तों, आपके अंदर जो निगेटिव एनर्जी है जिसके कारण आपको नशा करने की लत लगी है, वह कम हो जाएगी और आपके अंदर
पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, जिसके साथ आपका जो बुरी आदतें नशा करने की है वह जल्दी से जल्दी छूट जाए। दोस्तों, जो थर्ड काम करने की जरूरत है वह है आप जो नशे की आदत है वह आप नशा मुक्ति केंद्र जाकर आप वहां सलाह ले सकते हैं और आप इसको जल्दी ही टाटा बाय बाय कर सकते हैं। दोस्तों, जो फोर्थ काम आपको करने की जरूरत है, आप आयुर्वेद एवं होम्योपैथ में इसका सुलभ इलाज, आप वहां जाकर आप अपना इलाज जल्दी से जल्दी कराकर आप इस बुरे आदतों से आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, लास्ट जो काम करने की जरूरत है वो है आपको घरेलू उपचार करके भी नशा से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट के गार्जियन हैं या आप स्टूडेंट के वेलविशर हैं, तो आपको अपने बच्चों को इस बुरी आदतों से बचाने की जरूरत है। आप इसकी बुरी आदतें आप उस पे ध्यान रखकर कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को, जब आपका बच्चा घर में नहीं है तो उसका बैग प्रत्येक दिन आप चेक करें कि उसके बैग में क्या है, कोई नशा की वस्तुएं उसके बैग में तो नहीं पड़ा हुआ है। यदि पड़ा हुआ है तो आप उसे बातचीत करके उसको सुलझाएं। दोस्तों, आप अपने बच्चे के स्टडी रूम को उसके अब्सेंट में आप चेक करते रहे और देखें कि इस तरह की कोई एक्टिविटी बच्चा तो नहीं कर रहा है। आपका बच्चा जहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए जाता है, जहाँ खेलने के लिए जाता है, वहां पे आप कम से कम महीने में 2 से 4 बार सरप्राइज चेक मारे कि आपका बच्चा जिस कार्य के लिए जा रहा है वह कार्य कर रहा है कि नहीं, या वहीं से आपके बच्चे में बुरी आदतें, नशे की आदतें लग रही है। एक बात याद रखना दोस्तों, यदि आपके बच्चों में यह बुरी आदतें लग गई तो आपका बच्चा, आपका घर और आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इससे बेहतर है कि उस आदतों को अपने बच्चों में नहीं लगने। नशा व्यक्ति को बर्बाद ही नहीं करता है, नशा आपके परिवार को बर्बाद कर देगा, आपके फैमिली को बर्बाद कर देगा, आपके घर को बर्बाद कर देगा, आपको रिलेटिव को बर्बाद कर देगा। इसलिए इस सबसे बुरी आदतों से आप छुटकारा पाए और यह बुरी आदतें अपने बच्चों में नहीं लगने दें। इसी के साथ दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।